ओलंपिक के इतिहास में भारत को अब तक कभी बहुत शानदार सफलता तो नहीं मिली, लेकिन इस बार पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए 117 भारतीयों का दल गया हुआ है। 117 एथलीट्स पेरिस गए हुए हैं और ऐसे नाम शामिल हैं जो अपने इवेंट में पदक जीतने के प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसी में एक नाम है स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का, जो अब तक ओलंपिक के इतिहास में दो बार ऑलरेडी पदक जीतने में कामयाब हो चुकी हैं। इसमें उन्होंने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल, वहीं टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। ऐसे में पेरिस ओलंपिक में भी उनसे मेडल की उम्मीदें बिल्कुल की जा रही हैं, जिससे यदि वो ऐसा करने में कामयाब हो पाती हैं तो ओलंपिक के इतिहास में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगी। पीवी सिंधु जो पोर्टो दे ला चैपल एरिना में अभ्यास कर रही हैं, उन्होंने पेरिस ओलंपिक में अपनी तैयारियों को लेकर बातचीत की, जिस बयान में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पदक जीतना मेरा लक्ष्य है, ये पहला हो या दूसरा हो या फिर तीसरा ये मायने नहीं रखता, मैं 2 पदक जीत चुकी हूं और मैं तीसरे पदक के बारे में सोच रही हूं, लेकिन ज्यादा मैं नहीं सोचूंगी ताकि खुद पर दबाव बन जाए। जब भी मैं ओलंपिक में भाग लेती हूं तो वो मेरे लिए एक नया ओलंपिक होता है और इसीलिए जब भी ओलंपिक में खेलने के लिए मैं उतरती हूं तो मेरा लक्ष्य पदक जीतना होता है। उम्मीद है कि जल्द ही हैट्रिक भी पूरी करूंगी ओलंपिक में मेडल्स की। ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए पेरिस आने से पहले सिंधु ने जर्मनी में सारब्रुकेन के स्पोर्ट्स कैंपस सार में अभ्यास किया है, जिसकी समुद्री तल से ऊंचाई, मौसम और परिस्थितियां फ्रांस की राजधानी के बिल्कुल समान है। इसके अलावा पीवी सिंधु ने पेरिस की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने के लिए वहां में उन्होंने एक हाइपोक्सिक चेंबर बनवाया है। ये वो चेंबर होते हैं जिसमें कम ऑक्सीजन लेवल होता है, जहां पे वो कुछ दिन तक वहीं पर सोई और बेसिकली अडाप्ट किया उस सिचुएशन को, क्योंकि पेरिस में देखिए केवल बैडमिंटन खेलना एक चीज नहीं होती है, कोर्ट के बाहर मौसम, तापमान, टेम्परेचर किस तरीके का है, इन चीजों पर भी बहुत फर्क पड़ता है। आप इंडियन कंडीशन में खेल रहे हैं, आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं, आप पेरिस में खेल रहे हैं, उन चीजों का फर्क पड़ता है। बड़े खिलाड़ी ये काम जरूर करते हैं कि जहां पे भी ये बड़ा टूर्नामेंट है, ओलंपिक एक खिलाड़ी के, एक एथलीट के जिंदगी में सबसे बड़ा इवेंट होता है और उसको लेकर पीवी सिंधु की तैयारी पुख्ता है। अपनी खास तैयारी को लेकर सिंधु ने कहा कि मैं अभ्यास के लिए अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर नहीं जा सकती थी, मेरे पास बहुत अधिक समय नहीं था और इसीलिए मैंने सोचा कि कहीं और जाने से बेहतर है कि यहीं उस तरीके की परिस्थितियां आर्टिफिशियल लेवल पर तैयार कर ली जाएं और उन पर प्रैक्टिस किया जाए, सो दैट वो मेडल की हैट्रिक पूरी करे ओलंपिक में। बहरहाल आपको क्या लगता है कि पीवी सिंधु इस बार पदक की हैट्रिक कर पाएंगी, फिर चाहे मेडल कोई भी हो, गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज, अगर वो ऐसा कर पाती हैं तो इतिहास रच देंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा पीवी सिंधु क्या इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रचेंगी या नहीं। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। नमस्कार।